नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। विंग कमांडर अभिनंदन, भारत का वो हीरो जो पाकिस्तान को जोरदार टक्कर देने के बाद चर्चाओं में आया था। 6 महीने ही हुए थे MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को गिराने के बाद उन्हें इजेक्ट करना पड़ा था। वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में लैंड हो गए थे। पाकिस्तान ने पकड़ा लेकिन वो सुरक्षित लौट आए। इस घटना के महज 6 महीने बाद वो फिर से उसी MiG-21 में दिखे और उसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने उड़ान भरी। लेकिन इस बार वाली उड़ान खास थी क्योंकि इस बार उनके साथ थे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। रिटायर होने से पहले की आखिरी सॉर्टी यानी उड़ान भर रहे थे और इस फाइटर प्लेन में उनके साथ ही पीछे वाली सीट पर बैठे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान। मतलब ये कि एयर चीफ मार्शल धनोआ मुख्य पायलट और विंग कमांडर अभिनंदन को पायलट थे। चेहरे पर लंबी और घनी मूंछें अभिनंदन की पहचान बन चुकी हैं, लिहाजा लोगों ने तुरंत अभिनंदन का नया लुक भी नोटिस कर लिया। मूंछें अब भी घनी थी लेकिन थोड़ा छोटी। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान ने पठानकोट एयरबेस से इस MiG-21 में उड़ान भरी। कुछ देर के लिए वो हवा में रहे। एयर चीफ मार्शल धनोआ भी MiG-21 पायलट हैं। धनोआ ने करगिल युद्ध लड़ा था और इस दौरान पाकिस्तान से मुकाबला किया था। एयरबेस से उड़ान भरने के बाद जब दोनों बाहर आए तो धनोआ ने बकायदा मीडिया से बात की और अपने और विंग कमांडर अभिनंदन के बीच की समानताएं भी बताई। इट वॉज अ पर्टिकुलर जॉय फॉर मी टू कम एंड फ्लाई इट विद 26 स्क्वाड्रन which is the last squadron of the legacy MiG-21 aircraft. And it was also a pleasure for me to fly with Abhinandan because he's got his flying category back. That is what all pilots look forward to. I also ejected in 88. It took me 9 months to get my category back. He's been back in less than 6 months. So that's very good for him. And he's a trainer captain and he's got all his qualifications back. It's a very good thing that he can... He's back to being an instructor on the MiG-21 and that is a great thing. Both of us have two things in common. One is both of us ejected. Second, both of us have fought the Pakistanis. I fought in Kargil and he fought after Balakot. And the third is that I have flown with his father. We were together in Adampo in a MiG-21 squadron. He was in one squadron and I was in 101. And then we did the FIS together. We again flew together. And it is indeed an honor for me to do my last sortie in the Air Force, in the fighter, with his son. Thank you and Jai Hind. इसी साल की 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्थमान ने पाकिस्तान के विमानों को अपने MiG-21 से खदेड़ा था। उसी क्रम में नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी F-16 विमान को मार गिराया था। F-16 को MiG से ज्यादा अपग्रेडेड भी माना जाता है। पाकिस्तान इस बात पर हमेशा फक्र करता है। उस विमान को गिरा दिया था विंग कमांडर अभिनंदन ने। इस दौरान उनका विमान भी दुर्घटना का शिकार हो गया और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। मतलब वो कूद करके सुरक्षित लैंड कर गए, लेकिन जब वो लैंड किए तो लैंड हुए POK में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यहां पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन को हिरासत में ले लिया। अभिनंदन की रिहाई के बाद कई मेडिकल टेस्ट हुए उनके और उसके बाद उन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने की परमिशन मिल गई। इसीलिए यह बात जरूरी है क्योंकि कई बार यह कहा जाता है कि इस तरह के फाइटर पायलट जब इजेक्ट होते हैं तो उसके बाद उनके नर्व सिस्टम पर, उनके बाकी शारीरिक संरचनाओं पर बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो वापस फाइटर पायलट बनने में इतनी उनको आसानी नहीं रहती है। उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सारी मुश्किलों को पार कर लिया है विंग कमांडर अभिनंदन ने। उनको मेडिकल की तरफ से तो पहले ही क्लियरेंस मिल गया था और इस बार फिर से MiG-21 को उड़ाकर को पायलट के तौर पर एक बार फिर देश के सामने आकर उन्होंने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो फिर से इस तरह का वीरता और साहस का काम कर सकते हैं। तो ये थी विंग कमांडर अभिनंदन की कहानी उनके आज के दिन भर चल रहे तस्वीरों के सिलसिले में। मेरा नाम नीरज है। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे मेरे साथ में जेरी थे। शुक्रिया।